हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 5 मार्च। तो आइए देखते हैं 5 मार्च 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके का प्रश्न। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कौशल मातृ योजना की शुरुआत किया है। तो यह एक योजना है खासकर महिलाओं के लिए। ये बालिका के जन्म के अवसर पर ये 5,000 रुपये तक का आर्थिक लाभ देने के लिए ये शुरू किया गया है आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं भूपेश बघेल के द्वारा। अभी हाल ही में जो बजट प्रस्तुत किया गया और इसी बजट में खासकर महिलाओं के लिए जो बालिका के जन्म के अवसर पर 5,000 रुपया आर्थिक मदद देने के लिए ये शुरू किया गया है। बिहार से याद रखिए, बिहार सरकार ने भी अपनी जो बजट प्रस्तुत किया था तो बजट में ही आपको वंडर एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस वंडर ऐप के माध्यम से खासकर प्रसूति जो महिला है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाना और साथ ही उसके आर्थिक मदद करना और उसके इलाज के लिए एक वंडर ऐप भी लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, आपको सुने होंगे कि जब ये बजट प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो ये देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जो अपना पेपरलेस बजट किया, यानी पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत करने वाला देश का ये पहला राज्य है। जबकि भारत सरकार भी अपना जो बजट प्रस्तुत किया वह पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और उसकी जानकारी के लिए एक केंद्रीय मोबाइल बजट ऐप भी लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको बजट में ही समर्थ योजना शुरुआत किया। कौन सी योजना शुरुआत किया, तो समर्थ योजना की शुरुआत किया था। और गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए खासकर आपको महिला उत्कर्ष योजना की भी शुरुआत किया था जिससे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। तो इस तरह कुछ प्रश्न था जो महिला संबंधित था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने दोनों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने के लेकर सहमति बनी है। तो हॉटलाइन स्थापित करने के सहमति बनी है भारत और चीन के बीच। अभी आप सुनते होंगे भारत और चीन के बीच जो विवाद था आपको पेंगोंग झील लद्दाख के सीमा पर या अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर, जिस पर एक हॉटलाइन स्थापित होने से होगी कि यहाँ से यहाँ के अधिकारी वहाँ के अधिकारी आपस में बात कर सके, जिसके लिए हॉटलाइन स्थापित करने की ये दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। चीन के राजधानी है बीजिंग और चीन के सबसे बड़े है बड़ा शहर है शंघाई और शी जिनपिंग यहाँ क्या है राष्ट्रपति है। तो भारत और चीन के बीच ही ये सहमति बनी है अभी हाल ही में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल के दूसरे संस्करण का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा। तो खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही किया गया था। ये दूसरे संस्करण का, पहला संस्करण जम्मू कश्मीर में हुआ था, ये दूसरे संस्करण का आपको उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, यानी इसका उद्घाटन आपको प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था ये दूसरे संस्करण का। और साथ ही याद रखेंगे इसमें सर्वाधिक पदक के साथ पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर इसमें शीतकालीन खेलों में एक क्या हुआ पहले स्थान पर था। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान इसके उपराज्यपाल हैं आपको मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल वर्तमान कौन है, तो मनोज सिन्हा इसके वर्तमान उपराज्यपाल हैं। याद रखेंगे इसी से एक अलग माना था लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी कहाँ है लेह, और उसका भी गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर के माथुर हैं। लक्षद्वीप से याद रखेंगे, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 100% जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी है कावारत्ती। और पांडुचेरी में आपने सुना होगा कि पांडुचेरी के जो मुख्यमंत्री थे हाल ही में क्या कर दिए, सदन में बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में यहाँ क्या है पांडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू है। पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा भी है, तो पांडुचेरी में भी विधानसभा है अतः यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। उसी तरह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की सीटें हैं किंतु अभी तक इसके गठन के बाद अभी तक यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने धारिक पहचान चेलिक नाम का एक कार्यक्रम शुरुआत किया है। तो ये खासकर यह
जो चैलिक नाम के कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। जैसे मैप में देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड और ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल के साथ बनाता है। तो यहीं पर आपने देखा होगा कि लिपुलेख दरा हो या माना दरा या नीति दरा, यहीं पर है जहाँ पर आपने सुना होगा। इसी लिपुलेख दरा पे लेकर आपको भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ था, विवाद हुआ था। अभी हाल ही में सुने होंगे कि नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से आपको यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन गई थी। और उत्तराखंड के सीएम जो हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी यहाँ मौर्य क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। आपने ये भी जानते सुने होंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जब मनाया गया 24 जनवरी को, उस दिन सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम भी बनाया गया था। यहीं पर है ऋषिकेश, क्या है, ऋषिकेश है। और ऋषिकेश में ही आपको आपको ग्लास ब्रिज बनाया गया है, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला हो, लक्ष्मण झूला के नाम सुने होंगे, यहीं पर है, कहाँ पे, ऋषिकेश में। और हरिद्वार में याद रखेंगे, हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तराखंड का हरिद्वार, जहाँ गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और साथ ही यहीं पर आपको अर्धकुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए एकीकृत एक पोर्टल लॉन्च किया गया, कहाँ पे, हरिद्वार में। यहाँ से देखेंगे आपको अभी सरस्वती पूजा के अवसर पर यहाँ आपको टिहरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो टिहरी महोत्सव का आयोजन किया गया था आपको उत्तराखंड में, और टिहरी महोत्सव का महोत्सव मनाने का उद्देश्य था पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। इस महोत्सव का आयोजन इसी राज्य में किया गया था। और टिहरी जो है आपको उत्तरकाशी जिले में आता है और ये भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, और भारत के सबसे ऊँचा बांध है टिहरी बांध। वही भागीरथी नदी आगे जब आती है देवप्रयाग में, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती है, और दोनों के संयुक्त धारा को ही हम लोग गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय से बनी संयुक्त इकाई संसद टीवी के नाम संसद टीवी बना, और इसका सीईओ कौन है। तो देखिए, हमारी संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर लोकसभा टीवी भी है और राज्यसभा टीवी है, यानी लोकसभा टीवी जो होता है, लोकसभा में जब कार्रवाई होती है, जो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा का कहते हैं निम्न सदन कहते हैं या अस्थायी सदन कहते हैं। तो ये लोकसभा की जब मीटिंग होती है तो उसको लाइव दिखाने का काम करता था लोकसभा टीवी, और राज्यसभा टीवी को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा टीवी भी आपको राज्यसभा में जो कार्रवाई होती थी उसे दिखाता था कौन, राज्यसभा टीवी। तो ये दोनों सरकारी चैनल है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, अब दोनों को मिलाकर बना दिया गया है संसद टीवी। क्या बना दिया गया है, संसद टीवी। और इस संसद टीवी के आपको सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं आपको रवि कुमार। कौन बनाए गए, रवि कुमार। ऐसे भी याद रखेंगे, संसद का दो ही सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। उसी तरह अब संसद टीवी कहेगा तो याद रखेंगे इसमें लोकसभा टीवी भी है और राज्यसभा टीवी है, दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन आपको यहाँ 1-7 मार्च के बीच ऋषिकेश में ये आयोजित किया जा रहा है, यानी ऋषिकेश में ये आपको योग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और ऋषिकेश कहाँ है, तो हरिद्वार में है, कहाँ है, सॉरी ऋषिकेश कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, कहाँ, उत्तराखंड में। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, अभी हाल ही में इसे 100% साक्षर जिला घोषित किया गया था आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और उत्तराखंड जो है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में ही है। तो इस पर चर्चा किए थे अभी, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये रिवीजन का करेंट अफेयर्स है, यानी इसमें जुड़ा हुआ है। और नरेंद्र मोदी भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है, और कोरोना वायरस के लिए अच्छे कार्यों के लिए इनको आईजी नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो आपको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 73वीं सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही किया था। और अमित शाह वर्तमान होम मिनिस्टर हैं, यानी गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 1000 मेगावाट नवेली थर्मल पावर परियोजना का
उद्घाटन किया है। तो ये नवेली थर्मल पावर परियोजना यानी प्रोजेक्ट जो है आपको तमिलनाडु के हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के, और तमिलनाडु के सीएम है के पलानास्वामी और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अभी हाल ही में तमिलनाडु में होने वाला है चुनाव, जिसके कारण वहाँ अलग अलग तरह की प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया जा रहा है। जिस तरह आपने सुना होगा केरल के कोचीन में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया, और केरल में कई तरह की अभियान केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जैसे ज्ञान मिशन हो। इसके अलावा पहली बार किसी राज्यों में MSP लगाया गया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, यानी MSP लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी केरल है। अपने एजुकेशन को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, केरल है। ऐसे तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल है ही, और साथ ही हाथी पुनर्वास केंद्र यहीं पर बनाया गया था। जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में बनाया जा रहा है। इस सारे पॉइंट को एक साथ जोड़ के याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन वीमेन लीग 2020 एकित का मेजबानी किस राज्य को दिया गया है। तो ये मेजबानी दिया गया है आपको अपना उड़ीसा को, यानी उड़ीसा जो है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, उसी को मेजबानी दिया गया है। इंडियन वीमेन्स लीग 2020-21 का आयोजन यहीं पर होगा, और याद रखेंगे पहला खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी आपको उड़ीसा में भी किया गया था, लेकिन इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी मिला है कर्नाटक राज्य को। किसको मिला है, तो कर्नाटक को मिला है, जबकि पहला जो उसका संस्करण हुआ था तो उड़ीसा में हुआ था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर था। और हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के क्या है, सीएम है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत ने बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी हेडक्वार्टर तांबे है, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ, उसने डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान में दिया है। तो ये मेडागास्कर को दिया है, और मेडागास्कर जो है एक देश है जिसे ये दान में दिया गया है। तो किसने दिया है, तो ब्राक ने दिया, और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, श्री व्यास है। कौन है, श्री व्यास है। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं आपको विराट कोहली। कौन बन गए हैं, विराट कोहली ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जबकि पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे 260 मिलियन फॉलोअर्स है। कितने, 260 मिलियन फॉलोअर्स है, और देख सकते हैं विराट कोहली कितने नंबर पर आते हैं, जिनका 100 मिलियन है, और क्रिकेट में पहले स्थान पर है, वो फुटबॉल खेलते हैं। किस देश में तंजावुर के तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर तैयार किया गया। तो ग्रेनाइट का मंदिर तंजावुर है तमिलनाडु में, जहां पर आपने सुना होगा बृहदेश्वर मंदिर खासकर चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था, उसी के तर्ज पर ग्रेनाइट क्या है, एक चट्टान है, मूल चट्टान है ग्रेनाइट, और उसी से निर्माण किया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। कहां, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये बनाया गया खासकर ग्रेनाइट से भी, ये भी तैयार किया गया, और इस तरह का मंदिर भारत के तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर चोल शासकों के द्वारा मंदिर जो निर्माण किया गया उसी के तरह यहाँ भी बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत किया है। तो ये शुरुआत किया है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया था। तो आइए देखते हैं कुछ एस्टेटिक जीके का प्रश्न जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किए थे आपको स्लाइड एंड स्वान ने इसका प्रतिपादित किया था। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइड एंड स्वान, और इसने ही कहा था कि सारे जीव जो होते हैं उन सारे का निर्माण किससे होते हैं, तो आपको कोशिका से होती है। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं यही है सेल, ये खासकर आपको जो देख रहे हैं एनिमल सेल का एक इमेज है, और जिसी की खोज उन्होंने किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने पहली बार आपको सेल की खोज किया था, यानी कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो डेड कोशिका की खोज किए थे, जबकि रॉबर्ट ब्राउन जो हैं वो कोशिका के जो केंद्रक देख रहे हैं इसकी केंद्रक की खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी न्यूक्लियस की खोज कितने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, और स्लाइडन और स्वान ने आपको सेल थ्योरी दिया था, यानी कोशिका सिद्धांत को हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। और ल्यूमन हक ने पहली बार लिविंग सेल की खोज किया, यानी कहने का मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ल्यूमन हक ने किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न देखने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इसको, ये है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो देख रहा है खुरदारा है, एक ऐसा चिकना है, तो एक को इसे हम लोग कहते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकलम, जो आपको रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकल है, यहीं पर पाया जाता है आपको राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, यानी अधिक मात्रा में प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में, फिर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, यानी सबसे छोटा सेल का नाम क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो स्पर्म होती है। और सबसे बड़ी मानव शरीर की कोशिका सबसे बड़ी होती है तो अंडाणु होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और सबसे बड़ा कोशिका पूछे शुतुरमुर्ग का अंडा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित किसमें से किसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वाल पाया जाता है, तो सेल वाल जो होता है ये कोशिका भित्ति में जो होता है ये पाया जाता है आपको प्लांट सेल में। किसमें पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है आपको। ये किसमें पाया जाता है? तो ये केवल आपको प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया और कवक में भी आपको कोशिका भित्ति दिखने को मिलता है। और कोशिका भित्ति जो होता है यानी सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जिसके कारण उसकी आकार का होती है निश्चित होती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जातक कथाओं में जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथा जो है वो मुख्य रूप से गौतम बुद्ध से संबंधित है, यानी गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के कथाओं का उसमें वर्णन है। इसे जो जिसका संबंध किससे है, तो बुद्ध धर्म यानी बौद्ध से है। किसे? बुद्ध से। तो इसको याद रखेंगे, क्या हुआ? बुद्ध। और पूछ दिए कि बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है, जो तीन पिटक से मिलकर बना है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होता है। जबकि भगवती सूत्र का संबंध आपको महावीर स्वामी से, खासकर जैन धर्म से संबंधित है। किसे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यानी देख सकते हैं इमेज में ये है आपके गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं? तो हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं आपको लाला लाजपत राय को जानते हैं। किसके नाम से? लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अब पता होगा कि साइमन कमीशन गठन जब 1927 ईस्वी में हुआ था, जब साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कहने का मतलब एक व्यक्ति का नाम है, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उसका विरोध भारतीय लोग कर रहे थे। विरोध करने का कारण ये था कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का गठन इसलिए हुआ था जो 1919 भारत शासन अधिनियम था, जो उसमें कमियां थी और साथ में रॉलेट एक्ट के साथ जो घटनाएं घटी उसमें भारतीय लोगों का के बारे में ही हुआ था, किंतु उसमें कोई भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीय लोग उसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे, जिसमें लाला लाजपत राय भी इसका विरोध कर रहे थे। और विरोध के दौरान इनको पुलिस के डंडे से चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब डंडे से चोट लगी थी तो उन्होंने क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की क्या बनेगी? कील बनेगी। और इनके मरने के बाद उस समय तत्कालीन लाहौर के पुलिस कप्तान थे सॉन्डर्स, और सॉन्डर्स को बाद में पंजाब के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह के नेतृत्व में उन्हें क्या कर दिया? गोली मार दिया। क्या मार दिया? गोली मार दिया। तो इस पॉइंट को क्या कीजिएगा? याद रखेंगे। आज स्ट्रेटजी का प्रश्न थोड़ा कम है, कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी का प्रश्न दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।